यार मेरा नाम है शाहजेब और मेरा नाम है अशर। वेलकम बैक टू द व्लॉग। वेलकम बैक। तो यार आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मुबारकबाद यार, मैं ये दुआ करूंगा आज से, ईद के आज ही के दिन से आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए आज ही के दिन से आपकी लाइफ में। अशर भाई, आप क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? मेरी ये दुआ है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी टेंशन है ये ईद वो सारी टेंशन ले जाए और जिंदगी को खुशियों से भर दे। तो हुआ क्या था कि यार हम लोगों ने एक छोटा सा, सुबह का आप कह रहे होंगे कि शाम में क्या स्टार्ट हो रहा है ये व्लॉग, तो शाम में सीन स्टार्ट होने का ये है कि हम लोगों ने बांट लिया था कि हम लोग कहाँ कहाँ नमाज पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को दोनों जगह का माहौल दिखा सकें, शहर का भी और यूनिवर्सिटी का भी। तो अशर भाई बताइए उसके पीछे क्या रीजन था। सीन ऐसा था कि अलीगढ़ में जो मेनली बड़ी मस्जिदों में जो नमाज होती है वो एक यूनिवर्सिटी वाली जामा मस्जिद में होती है और एक होती है शहर की ईदगाह में। हाँ। तो शाहजेब ने जो है वो ईदगाह कवर करी है और मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी वाली जामा मस्जिद कवर करी है। हाँ। तो वहां पे कैसा सिनेमेटिक रहता है, क्या माहौल रहा, वो अब इसके आगे वीडियो में आप देखिएगा और मिलते हैं व्लॉग में आगे। तो यार सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से सभी लोगों को, और आज का दिन बहुत खूबसूरत रहे आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, ये दुआ करूंगा मैं। मैं जा रहा हूँ ईदगाह की तरफ, उधर अशर भाई भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ मेन ईदगाह, अलीगढ़ की जो मेन ईदगाह है शहर की तरफ, और अशर भाई जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में पढ़ने ईद की नमाज। तो मैं आपको इधर की पूरी लोकेशन दिखाऊंगा और अशर भाई उधर की दिखाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। अब बाकी पूरा एक्साइटिंग व्लॉग रहेगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मिलते हैं व्लॉग में आगे। तो यार सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और कुछ इस तरीके से तुम्हारे भाई का लुक आ रहा है, बाल को थोड़ा सही कर लूँ मैं। तो कमेंट में बताना यार कैसा लग रहा हूँ मैं। सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब चलते हैं मस्जिद के अंदर। तो मस्जिद के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। मैंने सोचा नमाज शुरू होने से पहले आपको वहाँ की पूरी लोकेशन दिखा दी जाए। काफ़ी ज़्यादा रौनक है, लोग आना पूरी तरीके से शुरू हो चुके हैं। अभी भी नमाज में थोड़ा सा टाइम है लेकिन लोगों का हुजूम हो चुका है पूरी तरीके से। आपको सिनेमैटिक कमेंट में जरूर बताइएगा। और ईद का दिन है और क्या ना खाएं? या शीर नहीं खाई तो फिर ईद कैसी? तो सबसे पहले खाते हैं हम लोग और उसके साथ काफी सारे आइटम है शीर के साथ, आपको दिखाते हैं और इंजॉय करते हैं। आप लोग भी इंजॉय करिए देख के। होपफुली आप लोगों ने भी अपने घर पे इंजॉय करी होगी शीर, और जिन्होंने नहीं करी हो वो इस व्लॉग के साथ करें। और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे हम, कैसा रहेगा पूरा एक्सपीरियंस, वो आपको इस व्लॉग के साथ। बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है, जितना भी दिन बचा है। वैसे तो हमने गवा दिया दिन धूप के चक्कर में। धूप बहुत थी दिन में, धूप थी आज एक्चुअल में, बहुत धूप थी। हम लोग तो चाह रहे थे थोड़ा जल्दी शुरू करें लेकिन फिर वो धूप पसीनों में बेकार हो जाता है। तो चलते हैं यार, शीर दिखाते हैं आपको। यार शीर वीर खा ली थी और अब चलते हैं अपने दिन को एक्साइटमेंट से भरा बनाने, और आप लोगों को भी मजा आएगा देखने और दिखाते में हैं क्या करने वाले हैं, क्या करने तो वाले बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ। तो यार सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वो जो जरूरतमंद है उन्हें खाना खिला के। और हर साल का हमारे साथ रहता है कि जब भी हम लोग चाहते हैं कि ईद की जो शुरुआत हो वो किसी के पेट में कुछ खाना चले जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, बन जाएगा समझ लो हमारा। तो आप लोगों को अगर जैसे बस्सी बादर पे आके लोगों को खाना तकसीम करना है, जो भी उनके मतलब अशर भाई ने जैसा कि बताया कि हम लोग खिलाने से या तकसीम करने से ऐसे दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप लोग हमारा पूरा तरीका फॉलो कर सकते हो। जिस तरीके से हम लोग अभी होटल पे जाएंगे और बात करेंगे कि और पूछेंगे कि इतने लोगों को खिलाना हम लोगों के पास पॉसिबल है, क्योंकि हमारा भी एक बजट है ना, हम
भी तो स्टूडेंट ही है ना। तो बस ये कि एक हमें शौक है, तो बस उस शौक को फॉलो करते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। आप जल्दी से चलते हैं यार। तो यार हम जो कर रहे थे वो इसी होटल की बात कर रहे थे और ये मिला बंद, तो अब कुछ और देखते हैं सीन, क्योंकि हमें खिलाना तो है ही भाई। सलगंज में हमें मिल गया था और यहाँ पे हम लोगों ने 10 खुराकें बनवा ली हैं और बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन बड़ी खुशी है यहाँ पे मिल गया। ये रही रोटी और ये रहा कोरमे के 10 पाउच और ये रहे शाहजब भाई, और अब हम लोग चलते हैं बांटने। तो यार अब हम लोग आ चुके हैं सिटी सेंटर में। ये नए एक तरीके से आप लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझ सकते हो, इसे नया बना था ये, और यहाँ पे ईद के दिन की रौनक देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। तो अब चलते हैं कुछ खाने की तरफ, भूख लग रही है थोड़ी सी, तो अब चलते हैं यार। तो यार अभी हम लोग आए एंथ्रेस कैफे के अंदर और यहाँ पर हमें खाना काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो सबसे पहले जो हमने मंगाया वो मंगवाया था चोको ट्रफल पेस्ट्री, लेकिन चोको ट्रफल पेस्ट्री हो गई थी ख़त्म। फिर हमने मंगा ली थी चॉकलेट मूस पेस्ट्री जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनके कहने पे मंगाई थी लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाहजब भाई आप बताइए कैसी भाई? बहुत ही बुरी थी टेस्ट में। तो उसके बाद हम लोगों ने कसाटा पेस्ट्री मंगाई, ये भाई बहुत ज़्यादा गनीमत थी उसके कंपैरिजन में। क्यों अशर भाई आपका क्या कहना है? हाँ यार ये तो काफ़ी सही थी, आप ये मंगा सकते हो पेस्ट्री में। कई बार क्या होता है चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में इंसान को हमेशा मारा जाता है। फाइनली फिर हम लोगों ने मंगा लिया था मेन रेड सॉस, रेड सॉस चिकन पास्ता। हाँ और इसकी खासियत मैं ये कहूँगा कि इसके साथ जो ब्रेड होती है, ब्रेड के साथ लगा के जो खाने का मजा करता है ये तो 4-5 देना चाहिए उसे, मतलब एक्स्ट्रा मंगा सकते हो। लेकिन हम तो मंगाते हैं अक्सर, कभी भी जाते हैं 2-3 और मंगा लेते हैं केक। तो रेड सॉस पास्ता काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो इसके बाद फिर हम लोग गए थे यहाँ से सीधा मैकडी, वहाँ पे हम लोगों ने ट्राई करी थी कोल्ड कॉफी, और क्योंकि पेट तो वहाँ पे काफी फुल हो चुका था तो यहाँ बर्गर वगैरह बनाने का कोई सीन नहीं था। तो यार ये था छोटा सा ब्लॉग, होप आपको अच्छा लगा हो। काफी ज्यादा थकान हो गई है हमें, हमने सब आपको दिखा दी। तो यार क्योंकि कल रात से सोए नहीं थे तो काफी ज्यादा थकान लग रही है अभी से। अभी हम लोग जा पाए उसके बाद, भी लेट आपने देखा ही था। तो इसको रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर।